हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। अगर आप किसी ट्रैक पर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके ट्रैक को काफ़ी कंफर्टेबल बनाएंगे और आप ज़्यादा मज़े कर पाएंगे। टिप नंबर वन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। खूब सारा पानी पीजिए। ट्रैकिंग करते हुए काफ़ी चलना पड़ता है, पहाड़ में कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे जाना पड़ता है। ये सब काफ़ी मेहनत का काम है। इस काम को करने के लिए आपके शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, जिसे इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे। देखिए, थकते सब हैं, लेकिन एक इंसान जो 5 किलोमीटर बाद थकता है, जिसकी बॉडी में पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप हो सकता है कि 1-1.5 किलोमीटर बाद ही थक जाए, और आपकी थकावट उससे कहीं ज़्यादा होगी। कुछ दिनों पहले से ही पानी पीना स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि कल ट्रैकिंग पे जाना है तो आज पानी पी लिया काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 हफ्ता पहले आप पानी पीना स्टार्ट करें। दिन में जितना पीते हैं उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी पीजिए। हो सकता है आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े, इट्स ओके, इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ट्रैक पे चलते हुए भी आप बीच बीच में कुछ कुछ समय बाद पानी ज़रूर पीजिए, चाहे आपको प्यास ना भी लगे। डिहाइड्रेटेड होने तक का इंतज़ार ना करें, क्योंकि एक बार अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए तो वापस रिकवर करना, खासकर पहाड़ों में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम पानी पीते रहें। और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि ड्रिंक बियर सेव वाटर, वो प्लीज़ पानी ही पिएं, क्योंकि बियर डिहाइड्रेशन लेके आती है। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल जाता है, हो सकता है नीचे धूप निकली है और 1 ही घंटे में खूब तेज बारिश आ रही है, तो इसलिए अपने आप को गीला होने से बचाना बहुत ज़रूरी है पहाड़ों में, क्योंकि जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अक्सर ठंड होती है। मेरे ख्याल से एक छतरी जो है वो ऑलराउंडर है, आप एक छतरी यूज ले सकते हैं, या एक पोंचो आता है, आप वो भी ले जा सकते हैं। आई पर्सनली कैरी वन अम्ब्रेला विद मी एंड वन रेन जैकेट, तो आप देख लीजिए जैसा आपको लगे, पर लेना ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कभी भी एकदम ब्रांड न्यू शूज़ पहनकर आप किसी ट्रैक पे ना जाएं। आप जूते वही पहने जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो आपके पैर की शेप में होते हैं और आप उनमें बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर बाई चांस आपके पहले वाले जूते टूट चुके हैं और आप एक ट्रैक के लिए नए जूते लेने की सोच रहे हैं, तो उसको कुछ दिन पहले ले और घर पर ही उसमें आप रोज चलें, उन्हें मतलब पहने जितना मैक्सिमम हो सकता है, उनको आप पहने और उनमें चलें, ताकि वो जूता आपके पैर की शेप के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। क्योंकि अगर आप नए जूते पहनकर ट्रैक पर आते हो और आपने उन्हें नहीं पहना है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा नए जूते में, तो चांसेस होते हैं कि आपका पैर काफ़ी दर्द करने लगेगा थोड़ी देर बाद। ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, और पहाड़ में फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं कि आप अपने जूते चेंज कर सकते हैं। कितना सामान आप कैरी करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब कुछ ना डालें बैग में, आपको लगता है कि इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, एक जैकेट एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ, 2 पैंट ज़्यादा डाल लेता हूँ, ऐसा मत करना। जो ज़रूरी है थोड़ा सा प्लान कीजिए चीज़ों को, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, कितने कपड़ों की आपको ज़रूरत होने वाली है। देखिए, अगर आप मैं बोलूँगा, अगर आप इवन 1 हफ्ते के लिए भी जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 2 पैंट्स काफ़ी होती हैं ट्रैकिंग में। वहाँ पर आपको रोज़ रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक पैंट आप पहन के रखिए, दूसरी इन केस पहले वाली गीली हो जाती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, या कुछ दिन बाद वो अगर मैली हो जाती है तो। देखिए, ऊपर मैला होना इज़ नॉट बैड, वहाँ पर मैली होती नहीं है जल्दी से चीज़ें, ठीक है। अगर होती भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमें अपना जो बैग है उसे कम से कम, मतलब उसमें वज़न होना चाहिए, उसको हमें उसे हल्का रखना है जितना भी हो सके, क्योंकि आखिरकार उसे हमें ही उठाना है और हमें ही उसे ऊपर लेके जाना है। तो जितना बैग हल्का होगा उतना ही आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा उसे खींचना। और देखिए, हम अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो पर्सनली आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई टाइम आउट देयर रादर देन लाइक ड्रैगिंग माई सेल्फ विद ए हैवी रक्सैक ऑन माई बैग। जो आप जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट है उसे घर पे ही छोड़ दीजिए। द रूल इज़ दिस, आपको लगता है कि शायद मैं इसे यूज़ ना करूँ तो उसे बेटर है कि घर पे छोड़ दूँ। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लगती है ज़रूरी है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, सबसे पहले आप वो बैग में डालिए
उसके बाद आप उसका वेट चेक कीजिए, आपको कैसा लगता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ठीक है, थोड़ा सा लग्जरियस हो सकते हैं कि नहीं एक पैंट और डाल लेता हूँ, एक टी शर्ट और डाल लेता हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपका बैग का वेट होगा जब आप चलेंगे तो आपको, आप अपना फूड और पानी भी साथ में कैरी करेंगे रास्ते के लिए, तो आप उसका वेट भी कंसिडर करना, ठीक है। और ट्राई टू मिनिमाइज इट, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए आपको एक ट्रैक पर, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। पहाड़ों में धूप काफ़ी कड़क होती है, सनबर्न इजली हो जाता है, तो अगर आप चाहते हैं तो एक सनस्क्रीन ज़रूर लें साथ में। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स अ गुड हैबिट टू टेक अ सनस्क्रीन इन माउंटेन्स, अदरवाइज आपका चेहरा बहुत ख़राब हो जाएगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ अपनी, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कैसा हो गया था मैं एक बार। स्क्रीन और सनस्क्रीन, नॉर्मल सनस्क्रीन नहीं, कम से कम SPF 50 आप लेना या उससे बेटर, उससे नीचे मत जाना, ठीक है। SPF 30 तो हम शायद नॉर्मल नीचे ही यूज़ करते हैं प्लेन एरियाज़ में, तो SPF 50 और मोर इज़ गुड इनफ। और एक बार अप्लाई नहीं करना है ये, हर 2 घंटे में, अगर आप धूप में हैं, काफ़ी धूप है तो धूप के टाइम हर 2 घंटे में आप इसे अप्लाई कीजिए। ये लास्ट टिप जो कि आपकी पूरी जर्नी को आरामदायक बनाएगी। सारा दिन मेहनत करने के बाद आप जब अपने कैंप साइट पर पहुँचेंगे तो आप रात की नींद बहुत अच्छे से लेना चाहते हैं। देखिए पहाड़ों में पहले दिन की रात नींद बहुत ही कच्ची होती है, बार बार टूटेगी, आपको लगेगा नींद नहीं आ रही है, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है, वो नॉर्मल भी है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है जो आपकी नींद को बेटर बना सकती है, वो है अगर आप साइड स्लीपर हैं, मतलब मेरी तरह जो अपनी साइड पे सोना पसंद करते हैं बजाय अपने बैक पे, तो एक बहुत ही छोटा और हल्का इन्फ्लेटेबल पिलो, तकिया, जिसको आप हवा भर के फुला सकते हैं अपने हिसाब से, वो ज़रूर लेके जाएं। वो आपकी रात को ख़राब होने से बचा सकते हैं। मेरी बहुत सी रातें ऐसे ख़राब हुई हैं, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पिलो नहीं है। हाँ देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने कपड़े लगा सकते हैं, लेकिन एक इन्फ्लेटेबल पिलो की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती है। आई हैव ट्राइड लाइक सो मैनी थिंग्स टू इम्प्रोवाइज, बट उस इन्फ्लेटेबल पिलो बहुत ही हल्का सा होता है, आपको बैग का ज़्यादा वेट भी ऐड नहीं करता है वो। लेट मी शो यू, दिस इज़ माई पिलो, ओके, इट्स फ्रॉम थर्मारेस्ट, स्क्वीज होके ये इतना सा हो जाता है बिल्कुल। ये आपकी रात बहुत ही बेहतरीन बना सकता है, और इसके बिना कई बार आप, हो सकता है कि पूरी रात करवटें ही लेते रहें और आपको नींद ना आए। जब आप रास्ते में चल रहे हैं, अच्छा तो ट्रैकिंग जब आप कर रहे हैं, आप चलते हुए जेब में कुछ टॉफियाँ रख सकते हैं आप इंस्टेंट एनर्जीज़ के लिए, वो ठीक रहता है। बीच बीच में कुछ कुछ आप अगर खाते रहेंगे तो आपको जल्दी से थकावट नहीं होती है, आपका एनर्जी लेवल बना रहता है। तो बेस्ट होता है कि कुछ कैंडीज़ टॉफ़ीज़ आप ले लें, या फिर चॉकलेट अगर आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और आप ठंड में हैं, आप ठंड है काफ़ी, तो पीनट्स और रेजेंस, किशमिश और मूंगफली मिक्स करके आप खाइए, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, इट कीप्स यू वार्म एंड इट कीप्स यू एनर्जी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं पे जाना चाह रहे हैं तो इसे देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और भी कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ मैं यहाँ पर डालूँ, जो जितने भी हमारे दोस्त ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं या पहाड़ों में इंटरेस्टेड है उनके लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए नमस्ते।